मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें एमपी तक, साथ ही नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 लोगों की जिंदगी उस वक्त खतरे में आ गई जब अपनी नाव से डैम के पास लुत्फ उठाने गए 9 लोग तेज बहाव में फंस गए। बेकाबू लहरों के आगे इन लोगों की नाव हिचकोले खाने लगी और इनकी जिंदगी जल प्रलय की चपेट में आ गई। डैम में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और ये 9 लोग फंस कर रह गए। इन लोगों ने किसी तरह एक पेड़ की मदद से खुद को रोके रखा। इसके बाद इन लोगों ने डैम के पास से आते जाते लोगों को आवाजें दी और फिर शुरू हुआ 9 जिंदगियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम ने 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 9 लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ पाराश्री नदी के पुल पर 5 फीट तक लहरों का कब्जा है। भारी बारिश के बाद पाराश्री नदी की लहरें पूरे उफान पर हैं और आसपास के पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है। लोग लहरों के बीच से ही जान जोखिम में डालकर अपना सफर तय कर रहे हैं, लेकिन पुल पर पानी आने के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। भोपाल के भदभदा डैम में भी पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते इसके 2 गेट को खोलना पड़ा है। जैसे ही बांध के 2 गेट खोले गए, रफ्तार के साथ लहरें उफनती हुई दौड़ने लगी। आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सैलाब का कहर है। नदी नाले उफान पर हैं, बावजूद इसके कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं।